बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ पुरानी दिल्ली का शादियों वाला शाही देगी चिकन की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर दें। ये मैंने 1 kg चिकन लिया और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये मैं एक देगची लूँगी, उसके अंदर सारा चिकन डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाले। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 tablespoon नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और अब इसके अंदर ऐड करूँगी 2 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर। आप तीखा खाना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 tablespoon धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हमें थोड़ा सा भर के लेना है, तो ये मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 tablespoon लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 10 लौंगें और 10 मैं इसके अंदर ऐड करूँगी छोटी इलायची। हमें गरम मसाले बस इतने ही डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। अब मैं चिकन के अंदर ऐड करूँगी दही। दही मैंने 1 cup ले लिया है। दही हमें इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, तो ये 1 cup यानी कि 50 ml के करीब दही है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 cup के करीब देसी घी। पुरानी दिल्ली में इसे डालडा घी में बनाया जाता है, आप इसे रिफाइंड ऑयल या देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ। तो इसे मैंने गैस पर रख दिया है, अब इसे हम कुक करेंगे। चिकन कोरमे को हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 tablespoon फ्रेश क्रीम। तो चिकन कोरमे को हम 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए जब तक हमने जो प्याज फ्राई करी थी उसको क्रश कर लेते हैं। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इसे हाथों से क्रश कर लेंगे। और ये मैंने 200 ग्राम के करीब प्याज फ्राई करी थी, तो इस तरीके से हाथों से हम क्रश कर लेंगे। देखिए किस तरीके से ये हो गई है। अब इसे हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे। अगर आप इसे हाथों से क्रश करेंगे तो एकदम बिल्कुल दानेदार कोरमा बनके तैयार होगा, बिल्कुल देगी स्टाइल जैसे शादियों के अंदर बनता है। तो इसे आप हाथों से क्रश करके डालेंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होगा। और अगर आप मिक्सी जार में करना चाहते हैं तो इसे मिक्सी जार में भी करके ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 tablespoon के करीब केवड़ा बटर। चिकन को हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, क्योंकि इस तरीके करने से जो हमारे चिकन के पीस हैं वो ना ही टूटेंगे और एकदम दानेदार और डिलीशियस बनके तैयार होगा। चिकन को हम 5 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो देखिए कितना लजीज और डिलीशियस हमारा चिकन बनके तैयार है। अब इसे हम सर्व करते हैं। पुरानी दिल्ली का एकदम दानेदार शाही चिकन कोरमा बनके तैयार है और ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।